अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। इंडिकेटर्स हम किस तरह फाज यूज़ करते हैं, हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडिकेटर ने फाज सिग्नल दिया है, किस तरह हम इंडिकेटर्स के फाज सिग्नल्स को ट्रैक कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे और इंडिकेटर्स की टाइप्स कितनी होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट पे हम उनका सही इस्तेमाल सीखेंगे कि किन किन इंडिकेटर्स को किन इन चीज़ों पर अप्लाई करना चाहिए, किस चीज़ के लिए कौन सा इंडिकेटर है, किस चीज़ के लिए कौन सा इंडिकेटर है। इस वीडियो टोटल वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। होप सो आप एंड तक वीडियो को देखेंगे और फॉलो करेंगे। इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के इवज़ हम सिर्फ ये मांगते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको इस तरह का वैल्यूएबल कॉन्टेंट आपको बर वक्त रिसीव हो जाए। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट। अच्छा, इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के हैं आपको इतना पता है? इंडिकेटर्स होते हैं चार टाइप्स के। पहला इंडिकेटर, पहले टाइप का इंडिकेटर वो होता है ट्रेंड इंडिकेटर। वो इंडिकेटर्स जिससे हम ट्रेंड्स फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। अच्छा, हर एक बंदे के जहन में होना है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो जिसकी तरफ, यानी कि जो हमें बताएं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। चले हम उसकी तरफ चलते हैं। हम सब इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम सारे इंडिकेटर्स कवर करेंगे। पहले टाइप के इंडिकेटर होते हैं ट्रेंड इंडिकेटर्स। उसमें आप ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो एक मूविंग एवरेज, अगर हम सर्च करें मूविंग एवरेज इसी तरह, ठीक है। मूविंग एवरेज अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करें तो उसकी सेटिंग रख लें 50, और अगर आप लॉन्ग टर्म यानी कि लार्जर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो आप लॉन्ग यानी कि 100 आप कर सकते हैं उसकी सेटिंग EMA, ठीक है। तो एक हो गया मूविंग एवरेज, ठीक है, आपको उसको बता दी, सेटिंग भी बता दी। एक होता है MACD। अब देखिए लोगों की स्ट्रेटजीज कहाँ गलत होती हैं, जब वो मैं आप देखिए मूविंग एवरेज एक अप्लाई कर दिया, ठीक है। मूविंग एवरेज अगर हम एक्सपोनेंशियल, वैसे आपको मिसालन बता रहा हूँ, उसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं MACD, MACD, ठीक है। अब हमने ये देखे ना, MACD भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये चेक करें भाई, इसने भी अप ट्रेंड ट्रेंड बता रहा है, ये भी वही बता रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी लाइन मूव कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं। हमसे गलती ये होती है कि हम एक ही तरह के इंडिकेटर्स को अप्लाई करते हैं और जब वो सिग्नल देता है तो मार्केट हमारी रिवर्स जाती है, तो हम कहते हैं यार इंडिकेटर बकवास होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स ना सही सिग्नल नहीं देते। तो कुछ 80% ही वर्क करते हैं भाई, मैं शॉर्टर टाइम पे तो इंडिकेटर्स ही काम आते हैं, बाकी बाकी चीज़ें कम ही काम आती है, फंडामेंट काम ही नहीं आता कुछ भी, ठीक है। तो ये देखे ना, अब एक ही तरह का आप इंडिकेटर, एक ही टाइप का इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। थोड़ी तबीयत मेरी अपसेट है तो होप सो आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ये दोनों ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं। यही गलती है हम लोगों से होती है कि यार हमसे इंडिकेटर्स के सिग्नल्स किस तरह फाल हो जाते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ इंडिकेटर्स की तरफ। दूसरे टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स। दूसरी टाइप कौन सी होगी इंडिकेटर्स की? मोमेंटम इंडिकेटर्स। अब उसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं वो आप बताते हैं हम। उसमें पहले नंबर पर आ जाता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक हो गया, एक ही अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद एक और इसी के अंदर आ जाता है स्टोकेस्टिक RSI, जो सबका फेवरेट, जो मैंने जिसकी स्ट्रेटेजी बताई है, होप्स आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, उसकी स्ट्रेटेजी आप देख लें। अब ये है स्टोकेस्टिक RSI, ठीक है, ये चेक करें। अब एक मिनट, ये दोनों दोनों अप्लाई हो गए, एक मिनट, RSI है और स्टोकेस्टिक को भी अप्लाई करते हैं। स्टोकेस्टिक भी अप्लाई हो चुका है, दोनों शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों, मेरा मतलब कहने का ये है कि ये मोमेंटम मोमेंटम बताते हैं कि ये किस तरफ मार्केट मूव हो रही है, किस मोमेंटम से मूव हो रही है। आया कि ये एक्युमुलेशन फेज है, रीक्युमुलेशन फेज है, या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा रही है, कि ओवरबॉट हुई है मार्केट या ओवरसोल्ड हुई हुई है मार्केट, ये मोमेंटम होता है मार्केट का, ठीक है। तो इसके लिए ये इंडिकेटर्स होते हैं RSI और स्टोकेस्टिक, ठीक है, जो क्या कहते हैं फेमस इंडिकेटर्स है जिनको सबको पता होगा। अब मूव करते हैं तीसरे टाइप ऑफ इंडिकेटर्स की तरफ। चार टाइप्स हैं, तीसरे टाइप की तरफ हम आ गए हैं जिसको मोस्टली यूज लोग करते हैं। और लेकिन लोग आप देखें ना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आप दोनों चीजें लगा दी, MACD भी लगा दिया, मूविंग एवरेज, ओ भाई दोनों ने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, और फिर आप सिग्नल को रोते हैं कि यार हमारा सिग्नल फॉल्स क्यों हो गया, ठीक है। तो आप इसका यही हाल है कि आप दो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर इस्तेमाल करें, एक RSI लगा लें जो मोमेंटम है, मोमेंटम देखें,
ट्रेंड के लिए आप मूविंग एवरेज लगा ले। अब ये दोनों यानी कि डिफरेंट है, इस तरह आप सिग्नल पॉजिटिव बना सकेंगे, ठीक है, फॉल्स सिग्नल नहीं होगा। अगली तरफ चलते हैं हम, अगला तीसरे टाइप के ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर्स, जो वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि इस कैंडल में कितना वॉल्यूम आया, या इस अप ट्रेंड के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है, क्या इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके लिए हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम RSI, एक होगी वॉल्यूम RSI हम इस्तेमाल करते हैं ये सबसे ऊपर। आप दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेस्ट लग रहा है। ये रह गया, एक होता है वॉल्यूम RSI, ये चेक करें, ये RSI वॉल्यूम को बता रहा है कि वॉल्यूम इसमें कितना आ रहा है, ठीक हो गया। और एक होता है, एक और इंडिकेटर आपको बोनस दे देता हूँ, OBV, OBV ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये चेक करें, दोनों इंडिकेटर थोड़ा, एक तो RSI भी बता रही है, देखिए OBV इससे ज्यादा बेहतर ये वॉल्यूम RSI, ठीक है, ये वॉल्यूम बताएगा इंडिकेटर कि इसमें कितना वॉल्यूम आ रहा है, ये चेक करें। अभी इस ट्रेड में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया, इस कैंडल में देख ले वॉल्यूम कितना आया, इसमें कितना आया, ये सारा ये वॉल्यूम्स। अब तीसरे टाइप के इंडिकेटर भी आपको समझ लग गई भाई, वॉल्यूम देखने के लिए ये इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं चौथे टाइप, आप जाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो तीन टाइप्स यानी मैंने अभी तक बताई हैं, आप इन दो इनको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग पहले करते हैं मूविंग एवरेज अब ट्रेंड के लिए, उसके नीचे ही लगा देते हैं लोग मैकडी, ये गलती होती है लोगों से, ठीक है। अब स्टोकेस्टिक, अब भाई स्टोकेस्टिक RSI भी तुमने लगाया है, ठीक है, दोनों एक मोमेंटम हो गया, उसके बाद फिर तुम RSI लगा रहे हो, दोनों को चेक कर रहे हो, और भाई दोनों ही सेम मूव करेंगे, ठीक है। वो बात की बात है कि वो एंट्री पॉइंट क्या देंगे, एग्जिट पॉइंट क्या देंगे, वो बात की बात होती है, ठीक है भाई। आप सिग्नल देखें, दोनों एक तरह मूव कर, मोमेंटम इंडिकेटर्स है। तो उसके बाद हम चलते हैं, तो होप सो आपको बात समझ आ रही होगी, चलते हैं चौथे टाइप के इंडिकेटर्स की तरफ। तो चौथे फोर्थ टाइप के इंडिकेटर होते हैं वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स, वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी को डिफाइन करते हैं कि वॉलेटिलिटी के इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। अब देखते हैं एक मिनट को, मैं बताता हूँ आपको इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। वॉलेटिलिटी क्या होती है, वॉलेटिलिटी ये होती है कि मार्केट अप डाउन कितनी हो रही है, इसमें कितना वो वॉलेटिलिटी आ रही है, कि कितना मोमेंटम आ रहा है इसमें, क्या कहते हैं इसमें कैंडल्स में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, कितना यानी कि मोमेंटम हो रहा है, कि कैंडल एक मूव कितनी कर रही है, एक में कितना परसेंट आ रहा है वॉलेटाइल हो रही है, ठीक है कैंडल, ठीक है। ये चीज होती है कि कितनी परसेंटेज ऊपर जा रही है कैंडल, कितनी देर नीचे आ रही है, ये होती है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी को चेक करने के लिए हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं जो सबका फेवरेट है, वो मैं आपको आई बटन ऊपर शो हो रहा होगा, उसमें वीडियो है बोलिंगर बैंड, उसकी वीडियो ऊपर आई आपको बटन में शो हो जाएगी, उसका सही इस्तेमाल उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो होप सो आप वीडियो को जाकर देख लेंगे। चलते हैं बोलिंगर बैंड को, ये वॉलेटिलिटी के लिए अप्लाई होता है, ये वॉलेटिलिटी को चेक करता है कि ये किस क्या कितनी वॉलेटिलिटी है कॉइन के अंदर। अब लोग क्या करेंगे, उसके बाद वॉलेटिलिटी को चेक करने के लिए और भी कॉइन वो इंडिकेटर्स हैं, हम एक और अप्लाई कर लेते हैं वॉलेटिलिटी की, सीधा लिखना है आपने वॉलेटिलिटी, ये चेक करें वॉलेटिलिटी आ गया, हम लिख देते हैं ये स्पेलिंग हो गई ओ वॉलेटिलिटी रेशियो, ये आ गया, ये चेक करें कि यार यहाँ पे कितनी वॉलेटिलिटी है, ये चेक कर रहा है, ये इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करवा के देते हैं कि इनमें वॉलेटिलिटी कितनी है, ठीक है। तो आपको चारों टाइप्स बता चुका हूँ, पहली टाइप कौन सी, ट्रेंड इंडिकेटर्स, ट्रेंड इंडिकेटर्स में कौन से इंडिकेटर आते हैं, फेमस इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं बात कर रहा, फेमस में आता है मूविंग एवरेज और मैकडी, उनका मैंने वीडियो डाल दी है, आप ऊपर आई बटन में शो हो रही होगी, उसकी भी आप चेकआउट चेक कर सकते हैं, सेटिंग्स क्या उसमें चाहिए, ठीक है। दूसरे टाइप के कौन से होते हैं, दूसरे टाइप के मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं स्टोकेस्टिक RSI और RSI मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं। तीसरे टाइप्स वॉल्यूम इंडिकेटर्स, सब अफकारों में वॉल्यूम इंडिकेटर्स के लिए वॉल्यूम RSI बेस्ट है, उसके अलावा OBV भी बेस्ट है। चौथे टाइप के होते हैं वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स, तो वॉलेटिलिटी के लिए बोलिंगर बैंड और आप लगा लें वॉलेटिलिटी रेशियो। तो ये जो मैंने चारों टाइप्स एक्सप्लेन किया उसके अंदर इंडिकेटर्स बताए हैं, इनमें से कुछ इंडिकेटर्स की मैं सेटिंग्स, बेस्ट सेटिंग्स और वो चीज़ें बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, होप सो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, चेकआउट कर ले होंगे, ठीक है। बेस्ट सेटिंग्स बता रहा हूँ कि कहाँ से लोग गलती करते हैं, कहाँ से नहीं करते, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग रही होगी, और हमने आज के सारे टॉपिक अपने कवर कर लिए हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लास्ट पे सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चैनल के साथ बने रहिए, और पहले इस कंटेंट को आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से कंटेंट बनता है, अपने रिसर्च बेस ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और मैं अपने मेंटोर से जिनसे सीखा होता है हमने, ठीक है,
वो सर अपना जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियोस की समझ लग रही होगी और अपने प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज कर रहे होंगे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।